हेलो स्टूडेंट, आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच खेला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी वेस्ट इंडीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच जो है खेला गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा 107 ओवर का टेस्ट मैच खेला गया है। इस टेस्ट मैच को भारत ने जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर जीत हासिल करने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है भारत क्रिकेट टीम। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर दो है, आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी फ्रांस, सी आइसलैंड, डी संयुक्त अमीरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात का जो है सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है बना है आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार, यानी यूएई का पासपोर्ट जो है सबसे मजबूत पासपोर्ट माना गया है। आर्ट एंड कैपिटल ने 2024 के लिए यूएई के पासपोर्ट को जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना है। यूएई के पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 180 है, यानी कि एक जो जिसके पास जो है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट होगा वो 180 देशों में जो है घूम सकता है। दूसरे स्थान पर जर्मनी और स्पेन, फिर फ्रांस, फिर इटली और नीदरलैंड सहित कई देश हैं। तीसरे स्थान पर जो है स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। यानी कि पहले स्थान पर यूएई है और दूसरे स्थान पर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड सहित कई देश हैं। तीसरे स्थान पर स्वीडन, फिनलैंड और लग्जमबर्ग हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीन, भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह जो है लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एरियन 5, बी X-15, सी कॉनकॉर्ड, डी फाल्कन 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, फाल्कन 9 से जो है भारत पहली बार उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो ने घोषणा की है कि भारत संचार उपग्रह GSAT-20 या GSAT-N2 को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का यह जो है पहला मिशन होगा और इस भारतीय मिशन का आगाज इस वर्ष यानी 2024 की दूसरी तिमाही में किया जा सकता है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, ये हमारा द्वितीय तिमाही है, यानी कि दूसरा तिमाही है 2024 का जिसमें जो है इसका आगाज हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर चार, किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है चिल्का झील, बी सोंगमा, बी सी लोकटक, डी सुखना झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, चिल्का झील में जो है वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है। उड़ीसा की चिल्का झील जो है 100 से अधिक पक्षी विज्ञानियों, कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं के द्वारा पक्षी गणना शुरू की गई है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर चिल्का झील स्थित है। दया नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। चिल्का झील उड़ीसा के फैले हुए 3 जिलों पुरी, गंजम और खोर्धा में है। 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट में जो है शामिल किया गया इसे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर पाँच, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बुरहानपुर, बी लखनऊ, सी ले, डी श्रीनगर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बुरहान जिले को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत भार उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बुरहानपुर जिले जो कि मध्य प्रदेश का है को केला प्रसंस्करण के लिए जो है नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बुरहानपुर की मुख्य फसल केले का उत्पादन है। व्यापार बढ़ाने न केले का उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया है जो है बुरहानपुर को। और बुरहानपुर जिले में केला चिप्स, केला पाउडर, राखियाँ, साज सज्जा की वस्तुएँ सहित उत्पादन निर्मित हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर छः, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ई मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी उड़ीसा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा आदि के बाजरा आदि उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी असम, डी गोवा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जो है असम के द्वारा गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुरू किया है। गुणोत्सव का उद्देश्य जो है 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। और गुणोत्सव असम सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जो कि असम के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय नौसेना के उपप्रमुख कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल, बी राहुल रसगोत्रा, सी अनिश दयाल सिंह, डी दिनेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के उपप्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय सिंह जो हैं इनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। संजय जे सिंह ने पश्चिमी नेवल कमांड के जे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का चार्ज लिया है। दिनेश के त्रिपाठी जुलाई 2020 से मई 2021 तक नौसेना संचालन के डायरेक्टर जनरल थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन राजस्थान, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा जो है ड्रोन मिशन शुरू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन तकनीकी के उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। IIT बॉम्बे के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा 5 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए किया जाएगा। जो है राज्य भर में 6 क्षेत्रीय केंद्र और 12 जिला स्तरीय केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। यानी कि ड्रोन जो है ड्रोन तकनीक का उपयोग जो है ट्रैफिक और सभी चीज़ों के जो है निगरानी के लिए इसे शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 10, हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे ST का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश का जो है हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश से संबंधित है जिसे GST का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। हट्टी समुदाय के सदस्य संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने और समुदाय को ST के रूप में कर रहे थे सूचित कर की मांग की गई है। उन अनुच्छेद जो है 342(1) में राष्ट्रपति किसी न किसी राज्य संघ राष्ट्र क्षेत्र के जनजातियों जनजाति समुदाय के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 342 में वर्णित है जिसके द्वारा जो है इसे चेंज किया गया है। तो आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।